हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं TSK वर्सेस WAF का 5th T20 मैच के बारे में। डेट एंड टाइम के बारे में बात करें तो ये कल रात को 2 बजे को मैच स्टार्ट होगा। वेन्यू के बारे में बात करें तो ग्रैंड पेरेवन स्टेडियम टेक्सस USA में खेला जाएगा। मैं आपको हेड टू हेड टीम फॉर्म और हर प्लेयर का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स भी एक्सप्लेन करूंगा। आप 100% ग्रैंडरी में भी मनी इजिली सेंड करेंगे और स्मॉल टीम में भी मनी इजिली सेंड करेंगे। पहले हेड टू हेड के बारे में बात करा जाए तो अब तक ये दोनों टीम का TSK वर्सेस WAF का एक मैच भी नहीं हुआ। ये दोनों टीम का हेड टू हेड मैं आपको हेड टू हेड एक्सप्लेन कर दिया। अब टीम फॉर्म के बारे में बात करें तो टीम फॉर्म के बारे में बात करें TSK ने लास्ट मैच में विन करके आ रहा है, WAF लास्ट मैच में लॉस हुए हैं। और पिच के बारे में बात करें तो पिच बैटिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। और एवरेज स्कोर के बारे में बात करिए तो 180 से 200 का बीच में स्कोर बनेगा। और ये पिच फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। इस पिच में अब तक टोटल 26 विकेट्स मिले, उसमें फास्ट बॉलर्स को 21 विकेट्स मिले और स्पिनर्स को 5 विकेट्स मिले। मैं आपको टीम फॉर्म भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ। आप इस पिच का T20 का रिकॉर्ड्स के बारे में बात करिए तो इस पिच में T20 में टोटल 6 मैचेस खेले, उसमें फर्स्ट बैटिंग करने वाला टीम 3 बार जीते हैं और सेकंड बैटिंग करने वाला टीम 3 बार जीते हैं। इस पिच में हाई स्कोर के बारे में बात करिए, SFU ने मारे थे 215 रन, वो भी खिलाफ MINY टीम के खिलाफ मारे थे। लोएस्ट स्कोर के बारे में बात करें तो LAKR ने 112 रन में ऑल आउट हो गए थे TSK के खिलाफ। मैं आपको इस पिच का T20 का रिकॉर्ड्स के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हर प्लेयर का मैं लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स भी एक्सप्लेन करूंगा। आप 100% ग्रैंडरी में भी मनी इजिली सेंड करेंगे और स्मॉल टीम में भी मनी इजिली सेंड करेंगे। बेस्ट विकेट कीपर होंगे, बेस्ट बैट्समैन होंगे, बेस्ट ऑलराउंडर होंगे, बेस्ट बॉलर होंगे। पहले विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने 2 विकेट कीपर को पिक किया, डेवन कॉनवे और ये घोष को। ये दोनों विकेट कीपर बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन से पे दोनों विकेट कीपर को 100% पिक कर लेना। दोनों विकेट कीपर का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स के बारे में बात करें तो कॉनवे के बारे में बात करें तो कॉनवे ने लास्ट मैच 55 रन मारे थे और लास्ट उस मैच 47 रन मारे, लास्ट इस मैच 40 रन मारे, लास्ट चौथे मैच 87 रन मारे थे, लास्ट 5 मैच 30 रन मारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन कॉनवे को 100% पिक कर लेना। और ये घोष के बारे में बात करें तो घोष ने लास्ट मैच 13 रन मारे, लास्ट उस मैच 43 रन मारे थे और लास्ट इस मैच 11 रन मारे, लास्ट होते मैच 37 रन मारे थे, लास्ट 5 मैच 4 रन मारे। मैंने विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर को पिक कर लिया, दोनों विकेट कीपर बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन साहब, दोनों विकेट कीपर को 100% पिक कर लेना। मैंने दोनों विकेट कीपर का स्टैट्स भी बता दिया हूँ। अब बैट्समैन को देखें, मैं 3 बैट्समैन को पिक किया, फैफ डुप्लेसिस को, डेविड मिलर को और जी फिलिप्स को। ये दो तीनों बैट्समैन बेस्ट बैट्समैन साहब, तीनों बैट्समैन को 100% पिक कर लेना। तीनों बैट्समैन का लास्ट 5 मैचेस का स्टैट्स के बारे में बात करें तो फैफ डुप्लेसिस के बारे में बात करें तो फैफ डुप्लेसिस ने लास्ट मैच डकआउट हो गए थे, लास्ट सेशन में 28 रन मारे, लास्ट सेशन में 82 रन मारे थे और लास्ट चौथे मैच 54 रन मारे, लास्ट मैच में 65 रन मारे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन फाइव डुप्लेसिस को 100% पिक कर लें। फाइव डुप्लेसिस इस सीजन IPL में भी कमाल का बैटिंग किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन फाइव डुप्लेसिस को 100% पिक कर लें। और डेविड मिलर के बारे में बात करें, डेविड मिलर ने लास्ट मैच 61 रन मारे, लास्ट दूसरे तीसरे मैच उनको बैटिंग में चांस नहीं मिला था और लास्ट चौथे मैच 4 रन मारते हैं, लास्ट मैच में 6 रन मारे। एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन अब डेविड मिलर को 100% पिक कर लेना। और ग्रैम फिलिप्स के बारे में बात करें, फिलिप्स ने लास्ट मैच में 1 रन मारते, लास्ट दूसरे मैच में 5 रन मारा और लास्ट तीसरे मैच डकआउट हो गए थे, लास्ट चौथे मैच 25 रन मारा, लास्ट मैच में 8 रन मारे। भले ही लास्ट 5 ओवर में फिलिप्स फ्लॉप है लेकिन एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन फिलिप्स को 100% पिक कर लेना। मैंने बैट्समैन पर 3 बैट्समैन को पिक किया, ये तीनों बैट्समैन बेस्ट बैट्समैन साहब, तीनों बैट्समैन को 100% पिक किया। अब ऑलराउंडर को बताने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल शो नहीं होता तो आप टेलीग्राम में जाके इस तरह सर्च करते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट्स बनाए, इस दोनों अकाउंट को आप भूल से भी ज्वाइन मत करना। आपको ये फेक टीम देगा, ये फेक अकाउंट भी है जिसमें आपको 1438 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको 1400+ सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं उसी पर आप ज्वाइन कर लेना। मैं आपको 3-3 ऐप प्रोवाइड करूंगा, उसमें आप 100% मनी इजिली सेंड करेंगे। पहला वाला है विजन, आप 100% मनी इजिली सेंड कर सकते हैं। आपको डेली 2 या 3 फ्री एंट्री मिलेगा, 100% मनी इजिली सेंड करेंगे। कमाल कैफे विजन लेवल, आप विजन आप 100% मनी इजिली सेंड करेंगे। और दूसरा वाला है माई मास्टर में 100% मनी इजिली सेंड करेंगे। माई मास्टर में आपको डेली 1 या 2 फ्री एंट्री मिलेंगे, आप 100% माई मास्टर में मनी इजिली सेंड करेंगे क्योंकि इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है। मनी का साथ साथ आप ऑफर्स भी 100% जीतेंगे क्योंकि इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है। और तीसरा वाला है कुबेरा में अगर आप DU का टीम में खेलेंगे तो आप 100% मनी इजिली सेंड करेंगे क्योंकि इसमें आपको एक ही प्लेयर को सेलेक्ट करना, मैं आपको एक प्लेयर को सेलेक्ट करके दे दूंगा। अगर आप कुबेरा में DU का टीम में खेलेंगे तो आप 100% मनी इजिली सेंड करेंगे, आप 100% कुबेरा में भी मनी इजिली सेंड करेंगे।
अब ऑलराउंडर्स, ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो मैंने ऑलराउंडर्स में पिक किया तीन ऑलराउंडर्स को, डेरेक ब्रेबो को, मार्को जंक्सन को और मोहम्मद को। ये तीनों ऑलराउंडर्स बेस्ट ऑलराउंडर्स है, तीनों ऑलराउंडर्स को 100% पिक कर लेना। तीनों ऑलराउंडर्स का लास्ट थ्री मैच, लास्ट फाइव मैच का स्टार्ट के बारे में बात करते हैं। ब्रेबो के बारे में बात करते हैं, ब्रेबो ने लास्ट मैच 16 रन प्लस 1 विकेट दिए थे, लास्ट दूसरे मैच 1 रन प्लस 0 विकेट, और लास्ट तीसरे मैच में 3 रन प्लस 0 विकेट, और लास्ट चौथे मैच 2 रन प्लस 1 विकेट लिए थे, लास्ट पांच मैच 1 विकेट लिए। एक इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर ब्रेबो को 100% पिक कर लेना। और मार्को जंक्सन के बारे में बात करते हैं, और मोहम्मद मोहसिन के बारे में बात करते, मोहम्मद मोहसिन ने लास्ट मैच 4 विकेट लिए थे, और लास्ट सीजन में 5 रन मारे, लास्ट सीजन में 1 विकेट लिया, लास्ट चौथे मैच 15 रन प्लस 2 विकेट लिए, और लास्ट पांच मैच 1 विकेट लिया। मैंने ऑलराउंडर्स पर तीन ऑलराउंडर्स को पिक किया, तीनों ऑलराउंडर्स बेस्ट ऑलराउंडर्स है, तीनों ऑलराउंडर्स को 100% पिक कर लेना। ये तीनों ऑलराउंडर बेस्ट ऑलराउंडर्स है, तीनों ऑलराउंडर्स को 100% पिक कर लेना। अब बॉलर्स, बॉलर्स में देखा जाए मैं तीन बॉलर्स को पिक किया, नॉटिस को, तरन को और पेडिट को। ये तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है, तीनों बॉलर्स को 100% पिक कर लेना। तीनों बॉलर्स का लास्ट फाइव मैचेस का स्टार्ट के बारे में बात करते, नोटिस के बारे में बात करें, लास्ट मैच 1 विकेट लिया, लास्ट सेशन में 2 विकेट लिया था, लास्ट सेशन में 1 विकेट लिया, लास्ट होते मैच चौथे मैच 0 विकेट, और लास्ट मैच में 2 विकेट लिया। एक इंपॉर्टेंट बॉलर है, नोटिस को भी 100% पिक लिया। और तिरन के बारे में बात करें, लास्ट मैच 2 विकेट लिया, लास्ट सेशन में 2 विकेट लिया था, लास्ट सेशन में 0 विकेट, और चौथे मैच 1 विकेट लिया, लास्ट मैच में भी 1 विकेट लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर है। और डीप एडिट के बारे में बात करते, लास्ट मैच 2 विकेट लिया था, लास्ट दूसरे मैच 2 विकेट लिया, लास्ट सेशन में 1 विकेट लिया, लास्ट चौथे मैच 0 विकेट, लास्ट मैच में 4 विकेट लिया। हर तीनों बॉलर हर मैच में 2-3 विकेट लेने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है, अबे तीनों बॉलर्स को 100% पिक लें। तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है, अबे तीनों बॉलर्स को 100% पिक लें। अब कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात करें जाए तो मेरे कप्तान में बनाए कॉनवे को, और वाइस कप्तान में फैफ डुप्लेसिस को। मैंने विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर को पिक किया, बैट्समैन में 3 बैट्समैन, ऑलराउंडर्स में 3 ऑलराउंडर्स, बॉलर्स में 3 बॉलर्स को। अगर कोई प्लेयर मिस होता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल फाइनल फाइनल टीम प्रोवाइड करूंगा, इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।